हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हमारा यूनिट वन चल रहा था जिसमें हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे शिक्षण टीचिंग, तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण सूत्र, कि ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जो कि शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को अपनाने चाहिए, इनका ज्ञान जो है वह एक शिक्षक को होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक को शिक्षण सूत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और देखिए, इनमें से जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके का आता है जैसा ये लिखे हुए हैं पॉइंट, यही उठाकर एग्जाम में आते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और अंश से पूर्ण की ओर। तो इसमें से कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपको जो है तब टिक करना होगा फोर्थ, क्योंकि अंश से पूर्ण नहीं बल्कि पूर्ण से अंश की ओर, ये एक शिक्षण सूत्र है। ठीक है, दूसरा इनका अर्थ जो है वह पूछ सकता है, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही याद होने चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा अर्थ जो है इनको जान लेते हैं। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी एक शिक्षक जो है उसको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को क्या आता है, उसको पूर्व ज्ञान क्या है, जो भी ज्ञान है उसके आधार पर ही उसे जो ज्ञान नहीं है उसकी ओर ले जाया जाना चाहिए। उसको सबसे पहले कठिन चीज उसके सामने बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, यदि उसके सामने कर दी जाएगी तो वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा और सही से किसी भी चीज को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि कोई भी बच्चा जब स्कूल आता है तो कुछ ना कुछ जो है अनुभव लेकर ही आता है, कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर ही आता है, कोरा कागज कोरी स्लेट के साथ वो नहीं आता है। तो जो भी उसे अनुभव है, जो भी विषय आपको पढ़ाना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाना है, उसके बारे में सबसे पहले जो नॉलेज है वो निकलवाएं कि उनको कितना पता है, उसके आधार पर ही जो चीज उन्हें नहीं पता है उसकी ओर ले जाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, सरल से जटिल की ओर, यानी कोई भी चीज जो है वही बात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि सबसे पहले जो इजी चीज है उसको उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए बजाय जटिल, क्योंकि कठिन चीज जो है वो प्रस्तुत करते ही बच्चे को कुछ नहीं समझ में आने वाला। अब देखिए, पहले के जो अध्यापक होते थे उनका काम होता था चैप्टर को पूरा करवाना, चाहे वो कैसे भी करवाएं, उनको ये नहीं जानना होता था क्या बच्चे को ये चीज समझ में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन आजकल देखिए, टीचर जो हैं जब भी बनते हैं जब आप मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि उसी को आप लोग जो है बच्चों को अप्लाई करोगे, वही चीजें। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें जो है साइंस का ही टॉपिक ले लीजिए, परमाणु के बारे में पढ़ाना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे और परमाणु के बारे में जो है व्याख्यान कर देंगे, बच्चों को नहीं समझ में आने वाला। उससे पहले उसके बारे में जो भी चीजें होती हैं वो बच्चों के सामने बताई जाने चाहिए। ठीक है, तो सरल से जटिल की ओर ये शिक्षण सूत्र है जो कि एक शिक्षक को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त यानी कि जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, और अमूर्त यानी जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब खुद ही सोचिए, कोई भी बच्चा जो है किसी चीज के बारे में पहले से नहीं सोच सकता है जब तक उसने वो चीज ना देखी हो, यदि वह चीज को देख लेता है तो वह अमूर्त अमूर्तता की ओर जो है वह जा सकता है। तो प्राथमिक विद्यालयों की यदि बात करें तो वहां पर यदि हम बात करें अल्फाबेट सिखाने की, ABCD यानी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाने की, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनको सीधा ये नहीं सिखा देंगे कि चलो बच्चों ए से एप्पल, बी से बॉल और सी से कैट। हालांकि बच्चे जो होते हैं उनकी मेमोरी क्या होती है, उनकी मेमोरी ऐसी होती है कि आप जो सिखाएंगे वो जल्दी से कैच कर लेते हैं, जल्दी से सीख लेते हैं, क्योंकि रटने की प्रवृत्ति जो है उनमें होती है जो भी छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं। और यदि आप उनको वस्तुएं दिखा दोगे जिसे आपको पढ़ाना है, वो उनको लंबे टाइम तक याद आएगी, जब आगे जाके उनको वो चीज नहीं दिखाओगे आप और पूछोगे तो वो फटाफट से उसको बता देंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल जो है बताया कि उनको ए फॉर एप्पल सिखाना है, तो आप उनको एप्पल जो है वो उनके सामने प्रेजेंट करोगे जिससे कि वो एप्पल को देखते ही, और फिर आगे कभी भी आप पूछोगे एप्पल भी नहीं होगा फिर भी वो ए फॉर एप्पल ही बोलेंगे, एप्पल का कलर भी बता देंगे, किस तरीके का दिखता है ये भी बता देंगे। ठीक है, तो एक शिक्षक को मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए, उसके बाद जो है उसके बारे में जो है सोचना विचारना चाहिए कि जो है एप्पल तो हमने देखा था, अब एप्पल के क्या क्या गुण होते हैं, रेड कलर का होता है,
कौन सा विटामिन होता है, ठीक है, ये चीज जो है वो बाद में सोचने वाली है। इन्हीं चीजों को यदि आप पहले प्रेजेंट कर दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट देखें पूर्ण से अंश की ओर। तो हमने देखा कि गेस्टाल्टवादी जो हैं, जो गेस्टाल्टवाद जो हमने संप्रदाय देखा, स्कूल देखा, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी बच्चे को यदि कोई चीज सिखानी है तो सबसे पहले संपूर्ण जो है उसके सामने प्रेजेंट करो, बजाय छोटे छोटे अंश के। पूर्ण जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अंश की बजाय। तो संपूर्णता यानी कि सिलेबस का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको जो है मनोविज्ञान की हर यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, यदि मैं आपके सामने वो रख देती पहले तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते। सबसे पहले मैंने आपके सामने जो ओवरव्यू है यानी सिलेबस जो है वो मैंने आपको दिखाया कि ये जो है यूनिट है, इसके बारे में जो पढ़ना है वो बाद की बात है। तो इसी तरीके से पूरी जो बुक है दिखाने की बजाय सबसे पहले इंडेक्स जो होता है यानी जहाँ पर सिलेबस होता है, जहाँ पर लिखा होता है यूनिट 1 में ये है, यूनिट 2 में ये है, यूनिट 3 में ये है, तो वो जो पूर्ण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के लिए बार बार बोला जाता है, सिलेबस जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, सिलेबस जो है वो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो। तो पूर्णता से अंश की ओर जाया जाना चाहिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी कि उदाहरण से जो है सामान्य की ओर जो है आपको ले जाना चाहिए एक बच्चे को, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, कोई भी बच्चे की सोच विचार से पहले उसकी रुचि अभिरुचि उसकी जो आवश्यकता है जो नीड है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद जो है उसको तर्क विचार जो है उनकी ओर ले जाना चाहिए। पहले पता तो हो कि बच्चे की रुचि क्या है, क्योंकि वह स्टार्टिंग में ही तर्क वितर्क करने लायक होता ही नहीं है। सबसे पहले उसका इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है। 7 पॉइंट देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि छोटे छोटे जो भाग हैं उस तरीके से देखना, ठीक है, किसी भी चीज को जो है इकट्ठा ना देखकर उसको जो है छोटे छोटे जो है भागों में देखना। जब उसको छोटे छोटे भागों में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर आप उसको जो है इकट्ठा जोड़कर जो है उसके सामने प्रेजेंट कर दो। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो है ले जाया जाना चाहिए एक विद्यार्थी को, आगमन से निगमन की ओर, वही सरल से जटिल की ओर। कोई भी चीज पहले जो है सरल होनी चाहिए, उसके बाद जो है जटिलता की ओर जाया जाना चाहिए। तो देखिए लगभग जो पॉइंट हैं वो समान ही हैं। 9 पॉइंट है अनुभव से विवेक की ओर। कोई भी बच्चा जो है जो कि पहले से ही कुछ ना कुछ अनुभव के साथ जो है स्कूल में आया है, तो उसी अनुभव को लेकर जो है विवेक की ओर जाया जाना चाहिए, ठीक है, अनुभव से ही तर्क की ओर बढ़ना चाहिए। 10th पॉइंट है अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि जो भी चीजें जो हैं बच्चे के सामने पहले निश्चित नहीं होती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को किसी भी घटना तथ्य या वस्तु उसका जो है स्पष्ट या निश्चित ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए जो ज्ञान उसको नहीं है तो वहां से निश्चित जो घटना उसका ज्ञान नहीं है वहां तक ले जाया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बौद्धिक विकास का क्रम जो है वह कैसा होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। तो ये जो है पॉइंट थे शिक्षण सूत्र के, जो कि आपको भी जो है अपने व्यक्तित्व में ढालने हैं कि जो जब भी आप पढ़ाएंगे बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से विवेक की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर। आगे देखें शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के स्तर जो है 3 है। सबसे फर्स्ट है स्मृति स्तर, फिर है अवबोध स्तर और फिर है चिंतन स्तर, और ये भी निम्न से उच्च की ओर है, ठीक है, उच्च से निम्न नहीं, निम्न से उच्च की ओर। तो स्मृति स्तर जिसको हर्बर्ट ने दिया, अवबोध स्तर जिसे मॉरिसन ने दिया, और चिंतन स्तर जिसे किसने दिया, हंट ने दिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षण का जो सबसे उच्च स्तर है वह कौन सा है,
तो चिंतन स्तर है, निम्न स्तर कौन सा है, स्मृति स्तर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अवबोध स्तर किसने दिया, मॉरिसन ने दिया, चिंतन स्तर किसने दिया, हंट ने दिया, स्मृति स्तर किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम दोगे, शिक्षण से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपसे पूछी ही जाएंगी, शिक्षण सूत्र पूछे ही जाएंगे, शिक्षण के स्तर जो है वो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आप जो है शिक्षण करोगे, इसीलिए ये ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। तो देखिए, यदि हम स्मृति स्तर की बात करें तो यहाँ हम 1 से 5 क्लास जो होती है प्राथमिक स्तर की, तो उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल प्राथमिक स्तर का लेते हैं तो देखिए आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी में हर चीज जो है वह फटाफट से आ जाती है, किसके, जो छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों को हम कुछ भी सिखाते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो रटने की जो प्रवृत्ति जो कि निम्न स्तर है और प्राथमिक विद्यालय में जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अवबोध स्तर यानी कि जानना, किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाना। अब समझने की प्रवृत्ति जो कि 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे को नहीं होती है इतनी, जितने की आपको 6 से 8 तक की क्लास के बच्चों में होगी। कुछ भी हम उन चीज उनको बताएंगे तो उस चीज को वो समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर चिंतन स्तर जो है, यहां अवबोध स्तर यहां पर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना कि 8th क्लास के बाद जो है बच्चे में आ जाता है। कोई भी समस्या होती है उसके सामने दे दी जाए तो वो सॉल्व कर सकता है अपने चिंतन के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा। तो चिंतन स्तर जो है वह कब होता है, आपने खुद ने देखा होगा कि 9th, 10th, 11th, 12th का बच्चा जो है जो कि इसी स्तर में आता है, ठीक है। तो यहाँ क्लास वाइज जो है आप याद रख सकते हो, 1 to 5 स्मृति स्तर याद रख सकते हो, 6 से 8 तक अवबोध स्तर, और 9th के बाद जो है चिंतन स्तर जो है वो प्रारंभ हो जाता है। एक जो छोटा बच्चा है वह केवल स्मृति जो है मेमोरी में अपने बहुत सारी चीजें जो है वो याद रख सकता है, अभी उसके अंदर चिंतन नहीं आता है। तो शिक्षण के 3 स्तर माने जाते हैं जिन्हें साधारण से जटिल की ओर क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इसीलिए ये निम्न से उच्च, साधारण से जटिल की ओर क्रमबद्ध किए गए हैं। तो किस किस ने दिए हैं ये आप नाम याद रखेंगे, चिंतन स्तर हंट ने, अवबोध स्तर मॉरिसन ने, स्मृति स्तर किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। स्मृति स्तर देखिए यह शिक्षण का सबसे साधारण स्तर होता है, इसे सामान्यतया विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं पर ही प्रयोग में लिया जाता है। तो प्राथमिक कक्षाएं कौन सी होती हैं, 1 to 5 क्लास। इस शिक्षण में अध्यापक का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क में सूचनाओं का भंडारण करना होता है, क्योंकि स्टोरीज करने की जो क्षमता होती है जितनी इन छोटे बच्चों में होती है इतना आप में भी नहीं है, मुझ में भी नहीं है। इनको आप कितना भी सिखा सकते हो सिखाओ, वो सीख जाएंगे, कितना भी रटा सकते हो रटाओ वो रट लेंगे, क्योंकि उनका चिंतन स्तर जो है वह अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि जो बेस होता है बच्चों का वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, जितना आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि छोटे बच्चों के मामलों में कि जो छोटे बच्चे होते हैं कि उनको कुछ जो माएँ होती हैं वो कहती हैं कि इतना मत पढ़, मेरे बच्चे के माइंड पर जो असर होगा, ऐसा नहीं होता है। वो उम्र ऐसी होती है जिसमें आप जितना ज्ञान दे सकते हो तो जितना सिखा सकते हो सिखाओ, बहुत जल्दी जो है वो उसके अंदर जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है बजाय बड़े बच्चों की। तो सूचनाओं का भंडारण करना जो है इसका उद्देश्य होता है इस स्तर में, ताकि जरूरत पड़ने पर बालक उन सूचनाओं को पुनः उत्पादित कर सके, और जो भी उनसे पूछा जाता है फटाफट से जो है वो उनको बता देते हैं। इस स्तर के शिक्षण को पूर्णतः विचारहीन माना जाता है, रटने पर बल दिया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर स्मृति स्तर में रटने पर ही बल दिया जाता है, बिल्कुल विचारहीन होता है, बच्चा जो है विचार तर्क वितर्क करने लायक ही नहीं होता है। फिर देखें अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी समझ जो है उसका विकास होता है, तो यह स्मृति स्तर से उच्च स्तर का शिक्षण माना जाता है। इस स्तर पर चिंतन का प्रयोग जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड जो अवबोध स्तर है, यहां पर ये ध्यान रखिए एग्जामिनर है जो है घुमाने के लिए आपको ये लाइन जो है वो दे सकता है
कि कौन सा स्तर है जहां पर चिंतन का प्रयोग जो है वो प्रारंभ हो जाता है, तब आप थर्ड जो है नहीं लगाएंगे, तब आप सेकंड लगाएंगे अवबोध स्तर। यहाँ पर चिंतन का प्रयोग शुरू हो जाता है, लेकिन वास्तव में चिंतन करता जो है वह जो थर्ड स्टेज है चिंतन स्तर वहाँ करता है। इस शिक्षण में शिक्षण का उद्देश्य छात्रों द्वारा विभिन्न अवधारणाओं को समझकर स्वयं उनका वर्णन कर पाना होता है। तो कोई भी कंसेप्ट उनके सामने रखते हैं तो उनको समझ पाते हैं। सामान्यतः उच्च प्राथमिक एवं सेकेंडरी तक इस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए थर्ड जो है चिंतन स्तर, तो यहां पर वो कल्पना करेगा, तर्क वितर्क करेगा, सोचेगा, अमूर्तता की ओर जाएगा। यह शिक्षण सबसे जटिल माना जाता है। सामान्यतः इस शिक्षण में छात्रों को अत्यधिक सक्रिय रखा जाता है। इस शिक्षण का उद्देश्य छात्रों द्वारा अधिगम किए गए बिंदुओं पर स्वयं चिंतन कर पाना एवं किसी विशेष परिस्थिति में तर्क का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसको जो भी विषय वस्तु पकड़ाई गई है तो उसके बारे में खुद सोचेगा। मान लीजिए टॉपिक उसको दे दिया जाए, समाज का ही दे दिया जाए, और बच्चा जो है प्राथमिक विद्यालय का हो, क्या वो समाज के ऊपर बोल पाएगा, लिख पाएगा, सोच पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्तर पर जो है वो बच्चा सोचना प्रारंभ करता है, चिंतन करता है, और कोई भी उसके सामने जो भी विषय वस्तु प्रेजेंट की जाती है तो उसके बारे में वो तर्क वितर्क भी करता है। यह शिक्षण सामान्यतः उच्च प्राथमिक तथा अन्य उच्च शिक्षण कक्षाओं में उपयोग में लिया जाता है। इस शिक्षण में छात्रों के मध्य वाद विवाद, समूह पर चर्चा, प्रश्नोत्तरी, प्रायोगिक कार्य स्वयं करने की छूट जाती है, यानी करने की जो छूट जो है वो यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखिए जो भी कंपटीशन हम देखते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो गई, समूह परचर्चा हो गई, प्रश्नोत्तरी, जो जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो वो देखिए 9th से ऊपर की जो क्लासेस होती हैं स्कूल्स में होती हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेज लाइफ जब आती है तब वहां पर भी ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर बच्चा जो है वो चिंतन जो है वो करना प्रारंभ कर देता है। तो शिक्षण के जो तीनों सूत्र हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। शिक्षण हेतु योग्यताएं, तो क्या क्या योग्यताएं जो है एक टीचिंग में होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है तो उससे संबंधित जो है जानकारी एक अध्यापक को होनी चाहिए। सेकंड, शिक्षण विधियों संबंधी योग्यता, यानी कि जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त कुछ बच्चे जो होते हैं वो डल होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो टीचर का उद्देश्य ये होना चाहिए कि सभी बच्चों को जो है समान लेकर चले। ऐसा नहीं है कि उसे जो है केवल पाठ पढ़ाने से ही जो है मतलब होना चाहिए। तो वहां पर वह कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, तो इस चीज पर जो है उसे ध्यान देना चाहिए और उसकी जो है संपूर्ण नॉलेज उसे होनी चाहिए। तो जहां हम प्राथमिक कक्षा की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि हर बच्चे को अगर हमें कोई चीज सिखानी है तो कहानी कथन विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है, यानी कहानी जो है कहकर उन्हें वो चीज समझाई जाती है। तो ऐसी ऐसी रुचिकर विधियों का प्रयोग जो है वो टीचर करे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर देखिए शिक्षण व्यवहार संबंधी योग्यता, यानी कि एक अध्यापक का टीचिंग करते वक्त क्या बिहेवियर है, क्या उसका व्यवहार अच्छा है, क्या उसका व्यवहार बुरा है। यदि अच्छा है तो बच्चों के साथ जो भी विषय संबंधी जो अंतःक्रिया हो रही है, वार्तालाप जो करता है, वह बिल्कुल अच्छी होगी, बच्चे जो हैं उसमें रुचि लेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे। यदि एक शिक्षक का व्यवहार ही अच्छा ना हो तो बच्चा जो है उस सब्जेक्ट के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाएगा। तो शिक्षण व्यवहार संबंधी योग्यता जो है यह भी होनी चाहिए, व्यवहार जो है उसका सहन शक्ति वाला, धैर्य वाला होना चाहिए। उसके बाद देखिए कक्षा कक्ष समस्या संबंधी योग्यता, समस्या समाधान संबंधी योग्यता। तो एक जो अध्यापक है उसको शिक्षण करते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो, ये योग्यता जो है एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। चाहे वो कैसी भी समस्या हो सकती है, विद्यार्थी से संबंधित हो सकती है कि विद्यार्थी जो है एक जो कि बहुत ही उत्पात मचाता है, जो कि पूरे जितने भी बच्चे हैं उनको परेशान करता है, तो उसके कारण जो है वो जानने चाहिए कि वो ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। दूसरा, फर्नीचर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जो टेबल है जो भी,
चेयर है, हो सकता है कि वो टूटी हुई है और बच्चा जो है वो बहुत परेशानी में है, तो ऐसी कंडीशन में वो पढ़ाई पर जो है वो ध्यान नहीं दे पाएगा, या फिर और भी कोई समस्याएं हो सकती हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान संबंधी योग्यता जो है एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए शिक्षण करते समय। विद्यालय प्रभावशीलता, तो देखिए प्रभावशीलता से आशय क्या है कि किसी स्कूल में चल रही संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया की गुणवत्ता से होता है, यानी ऐसा स्कूल जहां संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही हो तथा वास्तव में बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा हो, तो प्रभावशीलता विद्यालय होता है। यहाँ पर ये बात जो है समझने की है कि विद्यालय प्रभावशीलता, यानी वो विद्यालय जो है किस तरीके से प्रभावी है, उसमें ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिससे कि वहां पर बच्चों की संख्या जो है वो अधिक हो जाती है। तो विद्यालय यदि प्रभावशील है तो विद्यार्थी जो है वहां उनका जो है एडमिशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस विद्यालय की प्रभावशीलता के कारण ये पता चल रहा है कि बच्चों का जो है वहां पर सर्वांगीण विकास होता है, किसी भी तरीके से उनके विकास जो है वो अवरुद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये आपके, विद्यालय प्रभावशीलता के विभिन्न कारक। सबसे फर्स्ट देखिए विद्यार्थियों से संबंधित कारक, छात्रों का आपसी व्यवहार, छात्रों में अनुशासन, छात्रों का शैक्षणिक स्तर, आयु और कक्षा के अनुसार। अब देखिए हम लोग जो है न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि जब एड दी जाती है कि स्कूल जो है वो हमारा इतनी क्लास तक है, हमारे स्कूल में ये सुविधाएं हैं, लास्ट ईयर जो है हमारे स्कूल से इतने बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन जो है देखिए सैनिक स्कूल में हुआ है, नवोदय स्कूल में हुआ है, इस तरीके से जो है आप देखते हैं अखबारों में जो है ये एड दी जाती हैं। तो उस विद्यालय प्रभावशीलता के कारण जो है वो बच्चों की संख्या जो है उनमें बढ़ोतरी होती है। तो विद्यार्थियों से संबंधित कारक क्या होते हैं? छात्रों का आपसी व्यवहार, छात्रों का आपसी व्यवहार बहुत अच्छा है, तो यह विद्यालय प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। छात्रों में जो है उस स्कूल में बहुत ज्यादा अनुशासन जो है वह है, वहां के जो छात्र हैं वो बच्चा जो है उस स्कूल का है, यदि वह स्कूल से बाहर भी आता है तो उसको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा जो है उस स्कूल का है, क्योंकि उस स्कूल में अनुशासन है। छात्रों का शैक्षणिक स्तर, बच्चा इतना इंटेलिजेंट है क्योंकि वह उस स्कूल में पढ़ता है, और उस स्कूल में एडमिशन जो है बिल्कुल एज को ध्यान में रखकर ही दिया जाता है कि इस एज का बच्चा जो है इस क्लास में पढ़ेगा, ऐसा नहीं किया जाता है कि कोई भी उम्र हो और एडमिशन जो है किसी भी तरीके से दे दिया जाए, यानी कि 5th क्लास का जो बच्चा है लगभग जो है वो 10 साल का हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि 5th क्लास का बच्चा है और वह 7 या 8 साल का है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए जो है हमने उसको आगे कर दिया, या फिर बहुत बड़ा बालक है तो उसको वहाँ पर एंट्री कर दी। तो ये जो है विद्यालय की प्रभावशीलता के कारक हैं। प्रधानाचार्य से संबंधित कारक क्या हैं? जैसे कि जो प्रिंसिपल है उसकी जो नेतृत्व क्षमता है वह बहुत अच्छी है, उसका बिहेव जो है बहुत कड़क भी है और बहुत नरम भी है, तो जिसकी वजह से ही पूरा जो स्टाफ है वह बिल्कुल अनुशासन में है और उसी के कारण जो है पूरा स्कूल जो है वह अनुशासन में है। तो एक प्रधानाचार्य का जो रोल होता है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है विद्यालय में, किसी भी प्रकार का विभेदन ना करता हो, अध्यापकों के योगदान को महत्वपूर्ण मानता हो, तो कोई भी उसके अंदर ये चीज ना हो कि वो अंतर करे कि एक टीचर जो है दूसरे टीचर से बहुत अच्छा है, वो टीचर जो है उसको इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक प्रिंसिपल के अंडर में ही सभी जो हैं अध्यापक होते हैं और उन अध्यापकों की जिम्मेदारी जो है वह है उसके ऊपर होती है, सबको समान समझे, ऐसा ना हो कि वो तो उसके रिलेशन में है तो उसको तो है वह बहुत ज़्यादा इज्जत दे और बाकी उनको किसी और को ना दे। तो अपने स्टाफ की कमियों और गुणों को जानता हो, यानी कि स्टाफ में कौन से अध्यापक में क्या कमी है, उसमें क्या गुण है, जो भी कमियां हैं तो उसको अकेले में जाकर जो है उनको बुलाएं और उनकी कमियों को बताना चाहिए। ठीक है, जो भी गुण हैं अध्यापक में तो उसके लिए जो है उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए।
तो ये भी जो कारक हैं प्रधानाचार्य संबंधी, ये भी विद्यालय प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर देखिए अध्यापक से संबंधित क्या महत्वपूर्ण कारक हैं। छात्रों के लिए अच्छा या मॉडल व्यवहार प्रस्तुत करता हो, यानी एक जो बच्चा है वो ये कहे कि मुझे जो है जो भी मैथ्स के टीचर हैं उनके जैसा बनना है या साइंस के जो टीचर है उनके जैसा बनना है, क्योंकि उनका व्यवहार ही इतना अच्छा है कि मैं उनके जैसा ही बनना पसंद करूंगा। तो ये बहुत अच्छी जो है बात हो जाती है। छात्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हो, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करता हो, तब भी देखिए विद्यालय जो है प्रभावशील रहेगा। जब ये पता लगेगा कि उस स्कूल का अध्यापक जो है बच्चों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है और उसे अपने विषय का ज्ञान भी बहुत अधिक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो कि विद्यालय को प्रभावशील बनाता है, छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहयोग करता है। यदि किसी बच्चे को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो उसको डांटता नहीं है, डांटने के बजाय उसको ये समझाता है कि हाँ तुम कर सकते हो, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं एक दिन आएगा जब आप इस चीज को कर ही जाओगे, और ऐसा ही वो बालक करता भी है। तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना एक अध्यापक का जो है वो दायित्व होता है। तो जहाँ छात्र जो है जो कि बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहा हो, अध्यापक जो बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहा हो, तो छात्र और अध्यापक इनसे मिलकर जो है एक विद्यालय बनता है। तो विद्यालय की प्रभावशीलता का ये महत्वपूर्ण कारक रहता है। विद्यालय की संरचना से संबंधित, विद्यालय जो कि देखने में बहुत अच्छा है, उसमें सुख सुविधाएं जो है वो बच्चे को बखूबी मिल रही हैं, उसमें सभी भौतिक सुख सुविधाएं जैसे स्वच्छ जल है, खेल का मैदान है, खुले बड़े कमरे हैं, पुस्तकालय है, बैठने के लिए फर्नीचर की सुविधाएं हैं, तो बच्चा खुश रहता है, ठीक है, और खुशी खुशी में वो पढ़ाई जो है वो और भी अच्छे तरीके से करता है। तो ये बहुत ही जो है सामान्य बातें हैं कि विद्यालय प्रभावशील कैसे रह सकता है। विद्यार्थी खुश है, अध्यापक खुश है, प्रधानाचार्य जो है वो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, सभी को जो है वह बिल्कुल समान दृष्टि से देख रहा है, तो एक विद्यालय प्रभावशील तो रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित, शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग, यानी जो भी शिक्षण अधिगम में जो भी प्रोसेस है शिक्षण अधिगम में, यानी टीचिंग लर्निंग में जो भी प्रोसेस अपनाया जा रहा है, वहाँ पर विद्यार्थी जो है वो एक्टिव होकर जो है वहाँ पर सहयोग कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। सकारात्मक वातावरण अधिगम की उपलब्धता, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो वहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। समय अनुसार मूल्यांकन एवं छात्रों के रिकॉर्ड की उपलब्धता, और ये नहीं है कि पूरे वर्ष में जो है जब लास्ट एग्जाम हो जाए उसके बाद जो है उनका मूल्यांकन किया जाए, यानी पूरे वर्ष भर जो है धीरे धीरे जो है उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप जो भी हो जाते हैं उसके बाद उनका मूल्यांकन होना चाहिए, छात्रों का रिकॉर्ड जो है वहां पर हमेशा होना ही चाहिए। कभी भी अचानक से कोई भी जो पेरेंट्स हैं जैसे ही स्कूल में पहुंचते हैं और पूछें कि हमारा जो है बच्चा अब उसका क्या स्टेटस चल रहा है, तो बिल्कुल उसके सामने जो है अध्यापक जो है वो प्रस्तुत कर दे। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, तो ये वही बात है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यदि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है अधिगम करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद देखें प्रभावशाली शिक्षण की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिनको हम समझ चुके हैं, अब उनको एक एक लाइन में जो है हम पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। प्रभावशाली शिक्षण सुनियोजित होता है, यानी एक फुल प्लानिंग के साथ किया जाता है एक शिक्षण, तो वो प्रभावशाली ही बनता है। टीचर जो है उसको पता रहता है कि क्लास में आने से पहले जो है उसे किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्लास में आने के बाद वह किस तरीके से तैयारी जो है अपनी बताता है, ठीक है, और अंत में उसे क्या करना है, तो फुल प्लानिंग के साथ जो होता है वो प्रभावशाली होता है। शिक्षक अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, जो भी कार्य करता है तो वहां पर वो अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जो है वो शिक्षण प्रक्रिया करता है। शिक्षण छात्रों को केंद्र मानकर जो है कार्य जो है करता है, यानी छात्र जो है उसके केंद्र बिंदु पर है, छात्र को ध्यान में रखकर उसकी रुचि अभिवृत्ति उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है शिक्षण यदि करता है तो वो एक प्रभावशाली शिक्षण है। सहयोगपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण, वही बात है जो मैंने आपको अभी समझाई, बच्चों के प्रति जो है सहयोगपूर्ण हो सहानुभूतिपूर्ण हो तो शिक्षण जो है वो बिल्कुल अच्छा होगा। शिक्षण जो है लचीला होता है, यानी कि शिक्षण जो ऐसा नहीं होगा कि हमने जो है जो भी प्लानिंग की थी वहां पर हमने ये चीज जो है वो
हम लेकर नहीं आए। बच्चे जो हैं वो अचानक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसका आंसर जो है वो दिया जाना चाहिए। अपने जो विषय है, जो भी हम पढ़ाने आए हैं, तो हालांकि हमने उसको तैयार किया है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके और हम बच्चों के सामने प्रस्तुत हुए हैं, हो सकता है बच्चों को उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, तो हम अपने जो भी हमने टीचिंग करानी है तो उसमें बदलाव ला सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को जो है उस समय समझाया जा सकता है। तो शिक्षण जो है वो कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, बदलने वाला होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यह शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाया जाता है। तो जिसकी मैंने आपको बात बताई कि हर बालक जो है, जो कि भिन्न है दूसरे बालक से, तो उसको ध्यान में रखकर शिक्षण यदि कराया जाता है, शिक्षण प्रभावशील रहेगा। इस शिक्षण में छात्रों का सक्रिय सहयोग लिया जाता है। तो शिक्षण जो है तभी प्रभावशाली रहता है जब हम कुछ भी विषय वस्तु बच्चों के सामने समझा रहे हैं, तो हम बीच बीच में जो है क्वेश्चन उनसे पूछें, जिससे कि बच्चा एक्टिव रहे और उसका ध्यान जो है टीचर की तरफ रहे। तो देखिए, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण करवाया जाता है। अब जो है, आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये चीजें बहुत सरल लग रही होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ पॉइंट जो है वो कठिन लग रहे होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जिनको सभी को सारी चीजें आसान लगती हों। तो वही बात होती है कि क्लास में भी बच्चे जो है वो अलग अलग होते हैं, सभी का जो है दिमाग अलग अलग चलता है, सोचने की जो है शक्ति सबकी अलग अलग होती है, तो उनको ध्यान में रखकर ही शिक्षण कराया जाना चाहिए। छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है तथा छात्रों की जिज्ञासा का पोषण करता है। तो एक शिक्षण जो है उसमें ये होता है, एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उस विषय में बच्चों की रुचि उत्पन्न हो सके। छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए, तो उसमें क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं उसके बारे में सोच सकें। अभ्यास तथा दोहरान को भी सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ी हुई यदि हम बार बार उसका दोहरान नहीं करेंगे तो उसको भूल जाएंगे। तो इसीलिए अभ्यास जो है वह प्रैक्टिस जो है वह होनी चाहिए, बार बार उसे जो है रिपीट कराया जाना चाहिए। यदि आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं करोगे, तो कितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, कितना भी समझा है, उस चीज़ को आप भूल जाएंगे, बिल्कुल गोल गोल घूम जाएगा एग्जाम में। यदि आप कोई भी पढ़ी हुई चीज की दोबारा से दोहरान नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बालकों को वास्तविक जीवन से संबंधित कर शिक्षण करवाया जाता है। तो प्रभावशाली शिक्षण वही रहेगा जहां पर जो रियल चीजें हैं, जो भी लाइफ में, यदि उनको दिखाकर वही मूर्त से अमूर्त की ओर, जो हमने शिक्षण सूत्र की बात की थी वही है यहाँ पर, यदि हम उसे रियल लाइफ के बारे में बताएं, रियल लाइफ में जो चीज़ चल रही है उनको दिखाएं, तो टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहती है। तो यहाँ पर जो है यूनिट वन आपकी कंप्लीट होती है। इसको आप बार बार दोहराइएगा, हर चीज़ को पहले समझने के बाद जो है इनको ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत ना कर पाएं। क्योंकि साइकोलॉजी में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है समझने की हैं, खुद उनको धारण करने की है और फिर अप्लाई करने की है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं यूनिट 2 के साथ, जिसमें हम अधिगम लर्निंग को पढ़ेंगे। थैंक यू।